तो रिजाइन लीजिए अपना। हाँ रिजाइन दे देंगे जदयू से। हाँ भाई रिजाइन लीजिए, क्या करेंगे, उस एसपी को भगाइए। सौ बेत उसको मारते थे, मार के गिरा देते थे, कुर्सी तुर्सी तोड़ दो, फूंक दो थाने में। तो मेरे विधानसभा में जो भी एसपी जाता पैसा कमाने के लिए, मुख्यमंत्री तक हमारी सूचना नहीं जाती है, उस एसपी को भगाइए नहीं तो रिजाइन लीजिए अपना। हाँ रिजाइन दे देंगे जदयू से। हाँ भाई क्या करेंगे, मेरे क्षेत्र में आके ऐसा कुकर्म हो। जब एमएलए नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, हम प्रखंड अध्यक्ष थे उस टाइम, 3 साल तक 96 विधानसभा में क्राइम को कंट्रोल किए हैं, बेत लेके चलते थे, 100 बेत उसको मारते थे, मार के गिरा देते थे। अगर क्राइम करके कोई भागता था तो उस टाइम में क्रिमिनल अपना घर नहीं पहुंच सकता था, हम पहुंच जाते थे। वो मेरा तेवर रहा है। एक बात जानते हैं, एक बार एक तो एक तरफ भूमिहार था सैदपुर में, 3 टंगा का जादव लड़का सब घुस के बलात्कार कर दे, कुछ कर दे, थाने में जाए, इनके जादव जीते, FIR लेवे नहीं करें। हमको बोला, हम बोले काम करो ऐसे नहीं होगा, कुर्सी तुर्सी तोड़ दो, फूंक दो थाने में। फूंक दिया, कुर्सी तोड़ दिया, 18 जवान को पकड़ लिया। हम गए धरना दे के, वहीं पर कोर्ट उतार के 14 आदमी को हम रिहा करवा दिए, जहाँ BOL केस चलता था अंग्रेज जमाने में। हम कोर्ट उतार दिए, हम लड़ाकू आदमी है, फाइटर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मेरे, हम तो डर से नहीं गए भाई, भारतीय जनता पार्टी से मिल गए ब्राह्मण समाज तो हमको वोट लेना है, हम गए ही नहीं। अब जाएंगे, परिजन का पोस्टमार्टम होगा सब, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, अब जाएंगे संतोना देने के लिए, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो क्या लगता है सर कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद हत्या की गई? हाँ दुष्कर्म हुआ, चिल्लाई जब लड़बड़ा गई, पच लड़का सलाद दारू पी के करेगा, कितना छेड़छाड़ किया होगा, दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका कंठ दबा के मार दिया। कहीं कहीं अगर प्रशासन SP और सजग रहता तो ऐसी घटना ना हो। हाँ भाई SP ये गलत आ गया है, तो बोले सबको हम, ये SP मत दीजिए, भागलपुर में रहा हुआ है, तहसीलदारी करता था, और मेरे विधानसभा में जो भी SP जाता पैसा कमाने के लिए, मतलब अनुमंडल में जाता है पैसा कमाने के लिए, इनको पैसे का भूख है, होटल होटल घूमना, सारे ईटे वाले को तंग करना, ये तो बाईपासिंग का काम करेगा। देखिएगा कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक हमारी सूचना नहीं जाती है, निचले स्तर के लीडर ने बरगला देता है, गलत इसमें है, जो ट्रांसफ़र करने वाला पदाधिकारी है पैसा लेके ट्रांसफ़र करता है, जो IAS IPS वहाँ है ना पैसा लेके ट्रांसफ़र करता है। मृतिका के जो परिजन